तो यहाँ पर अब आप देखना बिल्कुल एक्जैक्ट लोकेशन हमें यहाँ पर फ़ोन की मिल पाएगी। और मेरा फ़ोन किसी भी तरीके से कोई वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट हो या डेटा कनेक्शन से कनेक्ट हो, बस आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट होना चाहिए। और जैसे ही आपका फ़ोन कनेक्ट होगा उसे हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे। तो यहाँ पर मैंने डिवाइस को अपने रिफ्रेश कर दिया, हम आ चुके हैं गूगल मैप पर। यह है मेरे डिवाइस की एग्जैक्ट लोकेशन, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरी लोकेशन है, लेकिन इसको एग्जैक्टली और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर, इस पर पिनआउट पर बिल्कुल क्लिक कर देंगे हम एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए। यहाँ पर मेरे पास देखो सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं और यहाँ पर ये है मेरी लोकेशन। अब देखते हैं क्या ये सही दिखा रहा है गलत। तो यहाँ पर मैं इसे लेयर्स में ले लूँगा और लेयर्स में लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास मेरे जो घर की लोकेशन है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा जो HDFC का जो यहाँ पर वो एक ATM लगा हुआ है उसके बराबर में से गली निकलती है, उसी के अंदर मेरा लास्ट का ये घर आता है। तो एग्जैक्ट पिन आउट इसने हमारा जो लोकेशन है वो कर दिया। इसमें ऑप्शन भी हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, ट्रैफिक से लेके सारी चीज़ें हम यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी सब चेक कर सकते हैं कि भाई स्ट्रीट व्यू कौन सा है। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रीट व्यू है यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा कि ये देखो यहाँ पर ये रास्ता जा रहा है और मैंने आपको बताया था इस रास्ते के बराबर में से गली जा रही है। तो ये हमारे पास पिन आउट बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन हमारी आ जाती है। अब इस टूल में खासियत ये भी है कि आप यहाँ से अगर मूव भी होते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से निकल के HDFC पर जाते हैं, तो ये जो लोकेशन है वो आपको HDFC पर भी जाएगी। तो जहाँ जहाँ आप मूव करेंगे एग्जैक्ट वहीं जाती रहेगी। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको आज लाइव बताने वाला हूँ, किस तरीके से हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। अपने फ़ोन को आप घर बैठे आराम से गूगल मैप पे बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोकेशन चेक कर सकते हैं। फ़ोन अगर आपका इधर से उधर जाएगा वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। आप चाहो तो फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, चाहे तो रिंग बजा सकते हैं। सारे काम आप आराम से बड़े इजीली आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना आपको। चलिए कैसे करते हैं बताता हूँ मैं। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप इजीली अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं गूगल मैप पर, बड़े आराम से आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। साथ ही में एक बेनिफिट और भी मिलेगा कि अगर आपका जो फ़ोन है वो बार बार मूव हो रहा है तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको मूव होते हुए भी दिखाई देगी। तो ये अच्छी बात है इस ट्रिक के अंदर। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें किसी भी टाइप का कोई चार्जेस या आपको पेमेंट नहीं करना है, आप डायरेक्टली फ्री जो यूज़ है वो आप कर सकते हैं और आराम से आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपको फ़ोन रिंग करने का ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो अपने पूरे फ़ोन को लॉक या फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। तो चलिए मैं इसमें डिटेल में आपको बताता हूँ किस तरीके से इसे सेटअप किया जाता है और ये कैसे वर्क करता है। अब दोस्तों फ़ोन को ट्रैक करने से पहले कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। एक तो आपके फ़ोन के अंदर लोकेशन आपकी ऑन होनी चाहिए। दूसरा जो ईमेल आईडी आप फ़ोन के अंदर यूज़ कर रहे हैं वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर यूज़ करनी होगी। और यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे फाइंड माई डिवाइस का यूज़ करेंगे, जो कि गूगल का एक बहुत अच्छा टूल है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा फाइंड माई डिवाइस का, और यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी हमें एंटर करनी होगी। जैसे मेरी एक ईमेल आईडी है तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी को एंटर कर दिया, और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर वो हमारा जो डिवाइस है आप देखोगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर पिन पॉइंट लोकेशन उसने बता दी है, डिवाइस हमारे पास रियलमी का, और यहाँ पर देखो बैटरी परसेंट भी बता रहा है। अब ये सिम पर चल रहा है, अगर ये वाईफाई पे होता तो वाईफाई यहाँ पर शो कर देता। आप यहाँ पर प्ले साउंड भी कर सकते हैं, प्ले साउंड करने के बाद यहाँ पर जो साउंड है वो बच जाएगी, आप सुन भी रहे होंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा बंद हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम डिवाइस को लॉक कर सकते हैं, फैक्ट्री को रीसेट अब यहाँ पर कर सकते हैं, पूरा डिवाइस ही आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ये क्या दिखाता है। अब देखो यहाँ पर इसके लोकेशन आ रही है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं इसे कि इसकी पिन पॉइंट लोकेशन क्या है। मैं जानता हूँ कि मेरे लोकेशन क्या है, तो ये जो लोकेशन शो कर रहा है बिल्कुल करेक्ट लोकेशन है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं अब एग्जैक्टली लोकेशन ये क्या दिखा रहा है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सैटेलाइट व्यू पे, और यहाँ पर देखो ये वाली लोकेशन है। तो इसे जूम करते हैं हम। तो जूम करने के बाद मैंने देखा कि यार ये कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे घर के पास में आगे गली के बाहर HDFC का एक ATM लगा हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ATM के बराबर में से गली निकल लिया। गली का हम पता कैसे करेंगे, मोर पर जाएंगे और यहाँ पर ट्रांसिट पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो गली है ये वाली जो ये जो रोड है ये वाली इसने हाईलाइट कर दिया। मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये स्ट्रीट व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो ये स्ट्रीट व्यू आ गया, ये आगे गली की रोड जा रही है, ये अंदर की तरफ हमारी रोड है और यहाँ पर हमारा घर। तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल लोकेशन है। अब इसमें एक अच्छी खासियत ये है कि जैसे जैसे ये मूव होगा फ़ोन मेरा, कहीं भी अगर मैं लेके जाऊँगा गली से बाहर जाऊँगा कहीं पर लेके, तो एग्जैक्टली वही लोकेशन ये शेयर कर देगा। मैं यहाँ आ जाता हूँ तो यहाँ पर शेयर करेगा, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पर दिखाएगा। तो ये सबसे अच्छी बढ़िया बात है इसकी कि आप एग्जैक्ट लोकेशन इसे चेक कर सकते हैं। कई फ़ोन अगर आपका खो जाता है तो आपको लास्ट लोकेशन तो एग्जैक्टली पता चल पाएगी।
तो ये तो था दोस्तों किस तरीके से बहुत इजीली इसे लॉगिन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। फ़ोन के अंदर बस आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करके रखनी है और आपका जो यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन होता है वो आपको ऑन रखना है। तो यहाँ पर लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ़ोन में ऑन ही रहता है, तो आप इजीली इसे ट्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो था आज का टॉपिक, किस तरीके से आप अपने फ़ोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से लोकेशन पर चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।